तो इस दूसरे वीडियो में जो सीरीज हमारे पास चल रही है, जिसमें हम क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कि सीरीज का दूसरा वीडियो है, और दूसरे वीडियो में हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, और उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास सीबीएसई के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मैंने कहा है कि तीन टाइप के क्वेश्चन है जो आपके पास सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहले टाइप के क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कवर किया है, अब दूसरे टाइप का जो है हम इस दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। एग्जाम्पल आपके पास ये है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, हमें प्रूव करना है क्वेश्चन हमारे पास है सो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स 84/85। पहले टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास कुछ एक्स में टर्म था, अननोन में टर्म था, उसको सिंप्लीफाई करके लिखना था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का यूज करते हुए। इस वीडियो में हमारे पास डिजिट नंबर दिए हुए हैं, और उन नंबर को सिंप्लीफाई करके किसी और टर्म के इक्वल हमें प्रूव करना है। यहाँ पे सिंप्लीफाई के करने के लिए नहीं बोला है हमें, किसी इसको दोनों साइड को इक्वल करना है, प्रूव करना है दोनों साइड को इक्वल। तो सबसे पहले हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सोल्व करेंगे तो हम सबसे पहले जो टर्म्स आपको दे रखी है उसमें से एक टर्म को एक्स, दूसरे टर्म को आप वाई सपोज करेंगे। तो आपने लेट किया, लेट एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, दूसरे टर्म को सपोज किया आपने वाई साइन इनवर्स 8/17। तो बेसिकली आपको प्रूव करना ये रह गया कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कॉस इनवर्स 84/85। ये प्रूव करने का मतलब है कि अगर आप कॉस इनवर्स को इस साइड लाते हो तो आपको प्रूव करना है कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 84/85, आपको प्रूव करना है। और ये प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशन को मॉडिफाई करें, साइन इनवर्स है उसको इक्वेशन के दूसरी साइड लाएंगे तो आपके पास बनेगा साइन एक्स, और यहाँ पे बन जाएगा 3/5। इसमें भी हम ये मॉडिफिकेशन करेंगे तो साइन वाई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8/17। अब यहाँ पे देखिए, कॉस एक्स माइनस वाई को अगर हम 11th क्लास के फॉर्मूले से एक्सपांड करें तो ये आपके पास बनता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये हमारे पास बनता है। हमारे पास साइन एक्स का वैल्यू है, साइन वाई का वैल्यू है, हमें कॉस एक्स और कॉस वाई का वैल्यू और निकालना है। ये दोनों वैल्यू जैसे ही हमारे पास आ जाएगी तो हमारे पास कॉस एक्स माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, और जब कॉस एक्स माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा तो इसको सोल्व करके हमें 84/85 के इक्वल लेके आना है। तो अब मैं यही कर रहा हूँ, जब भी आपको साइन एक्स या साइन वाई कुछ भी दे रखा है, साइन एक्स अगर सपोज आपको दे रखा है और इसकी हेल्प से अगर आपको कॉस एक्स अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जब भी आपके पास राइट ट्राइंगल दे रखा होता है तो राइट ट्राइंगल में जो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है उसमें सबसे ऊपर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस आता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3, हाइपोटेनियस का वैल्यू 5, तो बेस का वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। सिमिलरली इस ट्राइंगल में ये एंगल तो आपके पास हो जाएगा एक्स। इसके लिए भी हम दूसरा ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे तो इसमें तुम्हारे पास साइन पी बाई एच होगा और पी का वैल्यू आपके पास होगा 8, एच हाइपोटेन्यूज 17, और इसी तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे तो इसका बेस आएगा आपके पास 15। ये बेस सारी चीजें आपके पास आ गई हैं। अब इसमें यहां पे कॉस एक्स हम लिख सकते हैं, साइन एक्स अगर दे रखा है, साइन एक्स अगर देर का तो कॉस एक्स क्या आएगा हमारे पास, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस यहाँ पे 4, हाइपोटेनियस आ जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे कॉस वाई क्या आएगा, क्योंकि एंगल ये वाई है तो कॉस वाई हमारे पास आ जाएगा बेस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 15/17। अब हमारे पास इस फॉर्मूले की देखो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हो गई है, कॉस एक्स आ गया, कॉस वाई आ गया, साइन एक्स आ गया, साइन वाई का आ गया। इसका मतलब हम आगे प्रूव के लिए प्रोसीड कर सकते हैं।
तो यहां पे हम लिखेंगे कॉस एक्स सिंस कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना, जब भी यहां पे माइनस आता है तो यहां पे इसके अपोजिट साइन आता है, और जब भी यहां पे प्लस आता है तो उसका अपोजिट साइन यहां पे आता है। तो कॉस एक्स माइनस वाई का वैल्यू, कॉस एक्स का वैल्यू आपने रखा तो 4/5, कॉस वाई का वैल्यू रखा 15/17 प्लस साइन एक्स का वैल्यू रखा 3/5, साइन वाई का वैल्यू रखा 8/17। अब इस सारे एक्सप्रेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है 84/85। आप इसको सोल्व करोगे आपके पास ये निकल जाएगा। इसका मतलब आपके पास आ गया कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 84/85। अब आप प्रूफ के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। x माइनस वाई का वैल्यू निकालने के लिए आप कॉस को इक्वेशन के दूसरी साइड लेकर आए तो कॉस इनवर्स बनेगा 84/85। अब x और y का वैल्यू तो आपने लेट कर रखा है, x का वैल्यू आपके पास है साइन इनवर्स 3/5 माइनस y का वैल्यू है साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू आ रहा है कॉस इनवर्स 84/85। और ये हमारे पास आ गया, मतलब कॉस एक्स माइनस वाई का वैल्यू आपके पास आ गया 84/85। फिर कॉस इनवर्स को उधर लेके जाएंगे और एक्स और वाई का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा जो कि अपलोड इसी डेट को हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देखें, तीनों टाइप के क्वेश्चन को समझे। पहले टाइप का सिंप्लीफिकेशन करना है, दूसरे टाइप में इस तरीके की वैल्यू होगी तो उनको सोल्व करना है, तीसरे टाइप में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करना है जो हम सोल्व करना वहाँ पे सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।